हे व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम टू रियल मी डायरी। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे आप जो है FPS मीटर जो इनेबल कर सकते हैं। तो आपको जो है अपना फ़ोन का रूट करना ज़रूरी है, तो रूट इसमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रैंको मैनेजर। तो फ्रैंको करना मैनेजर का ऐप आपको डाउनलोड करना है। हाँ, उसका एक APK भी आता है, तो उसका आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, वरना प्ले स्टोर पर जो आपको पेड देखने को मिलेगा तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसे हम जो ओपन करते हैं सीधा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। आपको जो है रूट परमिशन आपको दे देनी है वहाँ पर। तो ये वैसे तो काफ़ी काम में आता है, आपके यूसेज वगैरह आपको ये बता देता है। तो हम जो है काम करने वाले हैं वो है FPS मीटर। तो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में आप इसे जो यूज़ कर सकते हैं, बस आपका फ़ोन जो है रूटेड होना चाहिए, आपके फ़ोन में जो है मैजिक्स इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका फ़ोन बूट लोडर अनलॉक करके आपको मैजिक्स जो है फ्लैश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कई दिक्कत होती है कि हमको FPS मीटर जो है शो नहीं हो रहा, मतलब FPS मीटर कैसे लाना है। तो आपको कई थर्ड पार्टी ऐप जो आप डाउनलोड कर लेते हैं, उससे क्या होता है आपके फ़ोन में काफ़ी सारे एड्स आने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस आपको जो है इसको डाउनलोड करना है, रूट परमिशन ग्रांट करनी है, और फिर आपको जो है सीधा जो है लाइव मॉनिटरिंग में आना है। तो लाइव मॉनिटरिंग में आप जैसे ही आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। तो ऐसा आने के बाद आपको एक बार स्लाइड करना है, और स्लाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि यूज़र ग्रांटेड, ठीक है। तो स्लाइड करने के बाद आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको एक बार और स्लाइड करना है, तो यहाँ पे लिखा आएगा परफॉर्म फ्लोटिंग विंडो। तो आपको यहाँ फ्लोटिंग विंडो जो है आपको इनेबल कर देना है। तो जैसे आप इनेबल करेंगे, एक पहले तो आपको एक परमिशन मांगेगा, तो आपको जो है वो परमिशन दे देनी है। तो वो परमिशन देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो आ चुकी हैं। तो उसमें से यहाँ पर आपको जो भी हटाना है वो या आप यहाँ से हटा सकते हैं, तो यहाँ से हटा सकते हैं। आप CPU हटाना है तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे GPU और RAM का मैनेजमेंट भी ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप GPU हटा देना, और आपको अगर ये सब रखना है तो आप रख सकते हैं, और यहाँ पर आप RAM हटा देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर FPS मीटर जो है इनेबल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 FPS, 14 FPS, ठीक है। तो ये FPS मीटर चालू हो गया है। तो अब मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ कि क्या ये रियलिटी में सही वर्क करता है या नहीं। तो मैं एक PUBG का यहाँ पर मैच लगाऊंगा और देखूंगा FPS मीटर यहाँ पे शो कर रहा है उस टाइम पे या नहीं पे, ठीक है। PUBG का मैंने यहाँ मैच स्टार्ट कर लिया है, तो मैं अपने ग्राफिक दिखा देता हूँ एक बार आपको। स्मूथ पर अल्ट्रा, मतलब मैं 40 FPS तो देख सकता हूँ। तो अभी खैर यहाँ पे देख सकते हैं आप 40 के करीब आ ही रहा है FPS। तो मैंने गेम स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो गया है, और आप देख सकते हैं 40 के करीब यहाँ पर FPS जो है शो कर रहा है। ये देखिए 39, 41, तो इसके अराउंड आपको FPS यहाँ पर शो करेगा। तो थोड़ा सा हम खेलते हैं, तो अभी भी देखिए 40 के करीब FPS जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं 40 के करीब FPS यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है रियल FPS यहाँ पर शो करता है। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर FPS मीटर हम शो कर सकते हैं किसी फ़ोन में। तो बस आज की वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।